दोस्तों, हम बाज़ार से मछली लाए हैं। ये मछली का नाम है घास काट। बाज़ार से मछली लेकर के रास्ता में आने में टाइम लग गया है। मछली के तो स्वास ही टूट गया है, तो क्या करें, अब नीचे रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यू किचन में स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। आज हम नए रेसिपी बनाने जा रहे हैं। रेसिपी में बनाएंगे घास काट मछली। तो ये मछली हम लाए हैं। मछली तो बहुत ताज़ा है, बहुत बढ़िया मछली है। मछली बहुत बड़ा है। तो चलिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तकला बने रहिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मछली बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तकला बने रहिए। चलिए हम बनाना घास काट मछली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाज़ार गए थे मछली लाने के लिए। तो मछली तो बहुत भयानक था, बहुत मछली सुंदर था, जीता भी था, ये कुदूक रहा था। लेकिन रास्ता में आने में टाइम लग गया है, तो मछली के श्वास टूट गया है। तो क्या करें, अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बगल तचुइया छूट गया है, तो हम दूसरे तरफ इसको पलट करके ही छोड़ाएंगे। दोस्तों, दोनों तरफ के हम अच्छे से पूरे में के चुइयाँ हम छोड़ा लिए हैं। अब चुइयाँ नहीं है मछली में। तो चलिए पहले इसको पानी से हम धो लेते हैं, साफ का धो देते हैं। तब तो इसको हम, ये पाँख है, पोछी है, सभी हम काट लेंगे। दोस्तों, एक पानी से साफ करके हम और धो लेते हैं, जो साफ हो जाएगा। तो चलिए इसको पानी से हम धो लिए हैं। तो चलते हैं इसको, पाँख सब, पोंछ सब हम काट देते हैं। बड़ा बड़ा पाँख पोंछ है, इसको हम काट देते हैं। दोस्तों, फांसूल तो बहुत है, फांसूल तेज नहीं है, तो इसको हम पत्थर से पिजा देते हैं, जो मछली कटाएगा। मछली तो तगड़ा है, काटने में दिक्कत होगा, फांसूल तेज नहीं है। फांसूल के हम तेज कर देते हैं पत्थर से, जो मछली हमारा, जो मछली तेज में कटाएगा। दोस्तों, मछली तो बहुत ही ज़बरदस्त है, हाथ में ही संभालता नहीं है काटने में। छोटा रहता था हाथ में भी संभालता, लेकिन बहुत बड़ा मछली है, इसलिए काटने में बहुत ही परेशानी होता है। ये मूड़ा काटना शुरू करते हैं। दोस्तों, पेटी वाला तो काट लिए हैं, अभी हम बड़का वाला काटते हैं। इसी तरह हम घास काट मछली के काट करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए हम पानी से इसको अब साफ कर लेते हैं। ये तो काट करके रेडी कर लिए हैं, तो इसको पानी से हम धो लेते हैं। चलिए पानी से हम मछली के साफ का धो लेते हैं। धो लिए हैं, तो इसको हम छान करके थाली में रखते हैं। तो चलिए एक पानी से हम और साफ करके धो लेते हैं मछली को। अच्छा तरह से हम मछली के साफ कर करके धो लिए हैं। मछली घास काट तो बहुत ताज़ा है, बहुत ताज़ा मछली है। तो चलिए इसको हम साफ करके धो लिए हैं। तो इसको पानी गार करके थाली में रखते हैं। मछली हम बढ़िया का धो लिए। तो चलिए इसको चूल्हा के नज़दीक रखते हैं मछली को। दोस्तों, आज हम घास काट मछली काट उठ करके पूरे हम रेडी कर लिए हैं। ताजे ताजे मछली ले लिए हैं, पूरे हम धो धा करके काट खोट करके रेडी किए हुए हैं। उसके लिए हम स्पेशल मसाला तैयारी करने जा रहे हैं। मसाला में क्या क्या लिए हैं वो बतलाते हैं। ये पीला सरसों ले लिए हैं, ये जीरा ले लिए हैं, ये साबुत धनिया ले लिए हैं, ये लाल मिर्च ले लिए हैं, ये गोल मरीच ले लिए हैं, ये लहसुन ले लिए हैं। तो चलिए हम पत्थर पर मसाला तैयारी करते हैं। मसाला पीस करके हम तैयारी कर लिए हैं, तो इसको मसाला के हम उठा लेते हैं पत्थर पर से। मसाला पीस लिए तो चूल्हा के नजदीक रखते हैं। दोस्तों मसाला तैयारी तो कर लिए हैं, तो पहले हम चूल्हा धरा लेते हैं। दोस्तों चूल्हा तो जोड़ लिए हैं, उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, हाफ चम्मच हम नमक डालते हैं, चम्मच लहसुन पेस्ट डालते हैं। इसको हम अच्छा से मिक्स कर देते हैं। फ्राई के लिए नून, हल्दी पाउडर, लहसुन पेस्ट बहुत ज़रूरी रहता है। कढ़ाही गर्म हो गया है, सरसों तेल डालते हैं। मछली फ्राई करने से पहले हम मछली के दाग देते हैं, जो जितना होगा नजर गुजर सारा कट जाएगा। तो चलिए तेल गर्म हो गया है, इसमें हम मछली फ्राई करते हैं। एक तरफ मछली फ्राई हो गया है, दूसरे तरफ लौट देते हैं। मछली फ्राई हो गया है, इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। तेल गड़ गया है, इसको थाली में रख देते हैं। घास काट मछली के हम पीस फ्राई कर लिए हैं, तो मूड़ा फ्राई करते हैं। मूड़ा फ्राई हो गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में से। ग्रास कार्प मछली हम फ्राई कर लिए हैं, जो तेल बचा है इसी में हम पीला सरसों डालते हैं। इसी में हम मसाला फ्राई कर लेंगे। यह है हम इसमें मसाला डालते हैं। मसाला फ्राई हो गया है, स्वाद अनुसार हम नमक डालते हैं। इसको बढ़िया से मिला देंगे ताकि मसाला में नमक बढ़िया से मिल जाए। मसाला पक गया है, इसमें हम पानी डाल देते हैं। मसाला हमारा पक गया है। घास काट मछली हम फ्राई डालते हैं। सबसे पहले मूड़ा डालेंगे। और हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन घंटी को आप ऑन कर लीजिएगा कि हम पहले रेसिपी बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। इसी तरह सभी फ्राई मछली हम डाल लिए हैं। तो मछली में हम टमाटर भी डाल देते हैं। टमाटर डालने से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है मछली। दोस्तों आप बिना टमाटर के मछली खाए होंगे, लेकिन एक बार टमाटर डाल करके ही मछली खा करके ज़रूर देखिएगा। मछली बन करके तैयारी हो गया है। स्वाद के लिए हम धनिया पत्ता डालते हैं। धनिया के पत्ता डालने से मछली में स्वाद बहुत बढ़ जाता है। घास काट मछली बना करके तैयारी कर लिए हैं, इसको हम चूल्हा पर से उतार लेते हैं। दोस्तों पहले से हम चावल बनाए हुए हैं, अभी घास काट मछली बना करके हम तैयारी किए हुए हैं। तो चलिए हम लोगों को खिला करके देखते हैं। तो चलिए पत्ता बिछाते हैं। पहले तो हम बिछा लिए। तो चलिए चावल परसते हैं। तो चावल परस लिए हैं। तो चलिए मछली परसते हैं। तो चावल मछली दोनों हम परस लिए हैं। तो देखते हैं खा करके घास काट मछली का कैसा स्वाद आज बना है। सो दोस्तों घास काट मछली तो बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत बढ़िया बना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी बना करके ज़रूर खाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन घंटी के आप ऑन कर लीजिएगा। यहाँ से कोई भी हम रेसिपी बनाएंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अब अगले रेसिपी के साथ नए वीडियो में।